जनरल इलेक्शन 2024, आपको बताएं 5 बज गए, पोलिंग का वक्त खत्म हो गया, पोलिंग स्टेशन में मौजूद ही अब अपना वोट कास्ट कर सकेंगे लोग, वरना बाकी लोगों को अब वोट कास्ट करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि 5 बज गए और लाहौर शहर में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया। जी बिल्कुल, 8 फरवरी 2024 आम इंतखाबात के हवाले से आपको बता रहे हैं, 5 बज चुके हैं, पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, पोलिंग स्टेशन में मौजूद अफराद ही वोट कास्ट करेंगे। गैर यकीनी सूरत हाल जो कि यकीन सूरत हाल में बदल चुकी है और पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, पोलिंग स्टेशन में मौजूद अफराद ही वोट कास्ट करेंगे। 5 बज चुके हैं, पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, शहरी भी वोट कास्ट करने में काफ़ी पुरजोश दिखाई दिए, पोलिंग स्टेशन में मौजूद अफराद ही वोट कास्ट करेंगे। आज शहर भर में पोलिंग स्टेशंस पर वक्तन फवक्तन लोग अपना वोट कास्ट करते रहे और ये अभाम मौजूद था कि शायद पोलिंग का वक्त बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन 5 बज गए और शहर लाहौर में पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। जनरल इलेक्शन 8 फरवरी 2024 से आपको अपडेट दे रहे हैं कि पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका, लोगों ने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया और अब पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है और अब इस वक्त पोलिंग स्टेशन के अंदर जो लोग मौजूद हैं सिर्फ वही अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। 5 बज गए और शहर भर में पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। जी 5 बज चुके हैं, पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, पोलिंग स्टेशन में मौजूद अफराद ही वोट कास्ट करेंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई और शाम 5 बजे खत्म हो चुकी है, पोलिंग स्टेशन में मौजूद अफराद ही वोट कास्ट करेंगे। पोलिंग स्टेशन के बाहर काफ़ी शहरियों की तादाद रही वोट के लिए, जबकि 5 बज चुके हैं, पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, पोलिंग स्टेशन में मौजूद अफराद ही वोट कास्ट करेंगे। शहरी अपना हक रायदही इस्तेमाल किया और अब आवाम के हाथ में फैसला है कि किस अब हुकूमत किस हुकूमत को इक्तदार मिलेगा। पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, पोलिंग स्टेशन में मौजूद अफराद ही वोट कास्ट करेंगे और 5 बज चुके हैं, पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। नाज़रीन आपको बताते चलें कि